बड़वानी। कलेक्टर बड़वानी के निर्देश के बाद तय कीमत से ज्यादा पैसे ले रहे मेडिकल संचालक को एसडीएम की फटकार। मरीज के परिजन को वापस दिलवाए रुपए। कोरोना के इस त्रासदी काल में आपदा में अवसर इन दिनों हर जगह देखने को मिल रहा है, जिसे जब मौका मिलता है लूटने में कसर नहीं छोड़ता। ऐसा ही एक मामला सामने आया आशाग्राम हॉस्पिटल से लगे मेडिकल स्टोर्स में, जहां तय कीमत से ज्यादा भाव लेकर संचालक दवाइयां दे रहा था, जिसकी मरीज के परिजन मुकेश धनगर ने एसडीएम से शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम और सीएमओ तत्काल मेडिकल पहुंचे, जहां संचालक को फटकार लगाकर पीड़ित को पैसे वापस दिलवाते हुए स्पष्ट निर्देश दे दिए, दोबारा शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। साथ ही अन्य दवाइयों पर भी 10% डिस्काउंट देने के भी निर्देश दिए हैं। शिकायत की थी आपने, क्या था मामला? मैं मेडिकल पर गया था, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरे दो तीन इंजेक्शन लिए थे, जिनके 1707 रुपये लिए वो, जबकि मैंने न्यूज़ में देखा कि 450 रुपये में इंजेक्शन मिल रहा है। एसडीएम साहब को मैंने बताया कि साहब ये मेडिकल वाले पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। एसडीएम साहब तत्काल गए दुकान पे, उनसे पूछा तो उन्होंने गलती स्वीकार की मेडिकल वाले ने और मुझे 200 रुपये उस इंजेक्शन के रिटर्न वापस दिए। 200 वापस दिए? हाँ, धन्यवाद प्रशासन का जिन्होंने तत्काल कार्रवाई करके और गरीब मरीजों का, अन्य मरीजों का सहयोग किया। कल कलेक्टर सर के द्वारा कुछ दवाइयों के, 4 दवाइयों के प्राइस फिक्स किए हुए थे कि कोई भी दुकानदार, मेडिकल संचालक इससे ज़्यादा प्राइस नहीं लेगा। यहाँ एक मामला सामने आया था जिसमें कि जो कीमत तय की है उससे ज़्यादा कीमत मेडिकल संचालक वसूल रहे थे। जब मामला संज्ञान में आया तो उनको सख्त निर्देश दिए कि आगामी समय में ऐसा ना हो और जिस व्यक्ति से तय मूल्य से ज़्यादा पैसे लिए हैं उनका वापस भी करवाया है। साथ ही मेडिकल संचालक को और भी हिदायत दी है कि यहाँ आशाग्राम में जो भी व्यक्ति आते हैं, मरीज आते हैं, डॉक्टर जिनको भेजते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उन दवाइयों पे कम से कम 10% की आप छूट दें, जिससे मेडिकल संचालक ने भी उस पर सहमति दी है। तो आगामी समय में जो भी व्यक्ति यहाँ से दवाई खरीदेंगे उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही 4 दवाइयों का जो मूल्य निर्धारित किया है उससे ज़्यादा मूल्य वसूला नहीं जाएगा। सेंधवा शहर में हाथ ठेले पर फल बेचने वाले फल विक्रेताओं पर नपा अमले ने की कार्रवाई। नपा अमले द्वारा आज मंगलवार को हाथ ठेले पर फल बेचने वाले दुकानदारों के ठेले पर रखे तराजू बाट लेकर जब्त किए गए और फल विक्रेताओं को घर जाने को कहा गया। फल विक्रेता प्रदीप का कहना है कि मैं तरबूज से भरा ठेला लेकर घर ही जा रहा था कि नगर पालिका वाले आए और ठेले पर रखे तराजू जब्त कर ले गए, ऐसे में हम फल कैसे बेचेंगे। वहीं फल विक्रेता रेखा भाई कहती है कि गली गली घूमकर फल बेचकर घर जा रहे थे, तभी नपाकर्मी आए और तोल काटे नगर पालिका की गाड़ी में भरकर ले गए। मैं आम बेच रही हूँ, अब यह सड़ जाएंगे तो कैसे बेचेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, सड़े हुए फल कोई थोड़ी लेगा और नुकसान होगा तो कौन सहेगा। करीब 8 से 10 ठेले वालों के तोल तराजू लेकर चले गए, ऐसे में हम गरीब कैसे जीवन यापन करेंगे। वहीं संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि हमने इन लोगों को मेन रोड और चौराहों पर बेचने से मना कर रखा है, फिर भी यह लोग मान नहीं रहे, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। आम बेचती हूँ। हाँ। पुलिस वाले पुलिस वालों ने बोला कि गलियों में घूम कर आप आम बेचो, तो गलियों में घूम रहे थे तो गलियों में से घूम कर फिर हम घर जा रहे हैं कि अब कहीं गलियों में से घर जाएंगे। इतने में फिर नगर पालिका वाले लोग आए और नगर पालिका की गाड़ी में काटा उठाकर लेकर चले गए। तो हमने ये माल को, इस माल को कैसे बेचना है बताओ आप, ये सड़ा हुआ माल है, इसको तो हमको 2 दिन में बेचना रहता है, तो हम कैसा देंगे और ख़राब करके कैसे बेचेंगे। पहले कोरोना चल रहा है इसलिए अच्छा फल देंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे, खराब फल कौन लेगा हमारे से।